दोस्तों आजकल ना भाई कॉलिंग स्मार्ट वॉच की वॉर छिड़ी पड़ी है। बहुत सारी कॉलिंग स्मार्ट वॉच आपको मिलती है कम प्राइस पे, लेकिन आज जिस कॉलिंग वॉच के बारे में हम बात करेंगे वो आती है नॉइस की तरफ से, और ये है नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स। और जैसे होता है भाई, एक बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो इसका जो प्राइस है ना भाई वो है सिर्फ 1999 रुपये। और मुझे नहीं लगता भाई नॉइस की कोई भी कॉलिंग स्मार्ट वॉच आपको इस प्राइस पे देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर इस नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके मैं फीचर्स आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये वॉच आपको लेनी चाहिए फिर नहीं, क्योंकि इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। तो कैसी है वॉच आपको आज की वीडियो देखकर पता लग जाएगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, 5000 लाइक का हमारा टारगेट है तो उसे कंप्लीट करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये रहा हमारा नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स का बॉक्स, और यहाँ पर मैक्स लगा ना तो आपको काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन जैसा आप देखते हो, ये जो वॉच है आपको कुछ इस तरह से मिलेगी स्क्वायर डिस्प्ले के साथ, और मेरे पास यहाँ पर ये दो कलर्स में है। तो एक मेरे पास यहाँ पर है जेट ब्लैक कलर, जिसको मैं अनबॉक्स करके कुछ दिनों से यहाँ पर यूज भी कर रहा हूँ तो देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा कलर है वो यहाँ पर है जेड ग्रीन कलर। तो आज की वीडियो में इसी को अनबॉक्स करेंगे, और देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कॉलिंग स्मार्ट वॉच, उसके अलावा बॉक्स के पीछे की तरफ इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं। नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स में जैसा बताया भाई काफी बड़ा आपको डिस्प्ले मिलेगा, तो 1.85 इंचेस का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, और 2000 रुपए के नीचे में ना 1.85 इंचेस का डिस्प्ले आपको किसी दूसरी वॉच में देखने को नहीं मिलता। तो इस प्राइस पॉइंट में सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको इस वॉच में देखने को मिलेगा। उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट सेंसर है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आपको मिलती है, 100 स्पोर्ट्स मोड है, 150 वॉच फेसेस, ब्लूटूथ कॉलिंग आपको मिलती है, IP68 वाटरप्रूफ है तो ये भी अच्छी बात है, और 10 डेज का आपको बैटरी बैकअप मिलता है, और एंड्रॉइड और iOS दोनों को ये सपोर्ट करती है। और बॉक्स के ऊपर इसका जो प्राइस लिखा है वो लिखा है 5999 रुपए, लेकिन जैसे मैंने बताया भाई ये जो वॉच है आपको 1999 रुपए मिलेगी अमेजन से, जो कि इसका लॉन्च प्राइस है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। तो ये इसका बॉक्स है, आप जल्दी से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। तो बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यूजर मैनुअल मिलती है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप इसमें पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक वेलकम नोट है, और पीछे की तरफ इसकी वारंटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, साथ में यहाँ पर कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं तो आप इसको चिपका सकते हो। उसके अलावा जो वॉच है जैसा आप देख सकते हो, ये आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग में मिलेगी, तो मैं इसको इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, और जैसे बताया था जेड ग्रीन कलर है, तो इसको हम आगे देखेंगे, अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ, बाकी जो बॉक्स के कॉन्टेंट है उसे चेक कर लेते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आपको इसकी जो चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, जो कि मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, पोको कनेक्टर पिन वाली। तो ये तो इसके बॉक्स के कॉन्टेंट, लेकिन अब आते हैं हमारी नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स की तरफ। वॉच के ऊपर यहाँ पर एक प्लास्टिक रैपर लगा है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, और जो वॉच है जैसा आप देख सकते हो ना भाई, ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलती है, और ये जो कलर है ना भाई जेड ग्रीन कलर, इसमें आपको गोल्ड और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है काफी सही लग रहा है। और इस वॉच की अगर मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, तो भाई इस वॉच में जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो ऐसे पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन उसकी वजह से काफी लाइट वेट है, और इस प्राइस पॉइंट में मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम सा लग रहा है। बाकी इस वॉच की मैं ओवरव्यू की बात करूँ, तो जैसे बताया 1.58 इंचेस का आपको यहाँ पर टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसको ऑन करेंगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन है, तो ये फंक्शन बटन रहेगा, और यहाँ पर पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर अगर मैं स्ट्रैप्स की बात करूँ, तो स्ट्रैप्स यहाँ पर सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं, स्ट्रैप्स की क्वालिटी यहाँ पर काफी सही है, और यहाँ पर जो मैचिंग आपको जो कलर्स देखने को मिलते हैं, और ये जो स्ट्रैप्स हैं ना रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं, तो किसी भी 22mm वाले स्ट्रैप्स से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये है इसका जेड ग्रीन कलर, और उसके अलावा जैसे बताया भाई ब्लैक कलर वाला मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करके यूज कर रहा हूँ, तो वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। और आई थिंक इसके अलावा कुछ और कलर्स में भी आती है, लेकिन आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये जेड ग्रीन कलर या फिर जेट ब्लैक कलर, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो जल्दी से इस वॉच को मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको अपने फोन के साथ पेयर करते हैं, और इसके जो फंक्शन है उसे यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको ये पावर बटन है, इसे प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी, तो देख सकते हो यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग आ गई है। और इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, नॉइस फिट, जिसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, क्योंकि जैसे बताया था ये जो वॉच है मैं ऑलरेडी कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, और पेयरिंग प्रोसेस काफी सिंपल है, और इस ऐप की जो फंक्शनलिटीज है इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो इस वॉच में आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया है, जो कि ट्रू सिंक टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और इसकी वजह से ना इस वॉच में आपको सिंगल स्टेप पेयरिंग प्रोसेस देखने को मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी काफी कम रहता है, क्योंकि इसमें जैसे बताया ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है। उसके बाद इस वॉच के स्क्रीन की बात करें, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1.85 इंचेस का काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, और जैसे बताया भाई 2000 रुपए के प्राइस पॉइंट में आपको इतना बड़ा डिस्प्ले किसी वॉच में देखने को नहीं मिलेगा। और स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात करें, तो 240x286 पिक्सल की रेजोल्यूशन मिलती है, तो इस प्राइस पॉइंट में ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 550 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी, और ब्राइटनेस के लेवल में बोलूंगा कि भाई काफी बढ़िया है, मैंने इसको आउटडोर में भी चेक किया, और इवन सनलाइट में भी यहाँ पर आपको जो विजिबिलिटी है काफी अच्छी देखने को मिलती है। उसके अलावा वॉच के बाकी फीचर्स की बात करें, तो डिफॉल्ट वॉच फेस कुछ इस तरह से, इसको चेंज करना है तो उसकी
स्क्रीन को होल्ड करके आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आपको कुछ और वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके ऐप से भी आप जो वॉच फेसेस उसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला जो वॉच फेस है इसके ऐप से इंस्टॉल किया है और इस वॉच फेस के साथ आप इसके जो बेजल्स वगैरह हैं उसको यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर साइड में और ऊपर की तरफ थोड़े कम बेजल्स हैं लेकिन नीचे की तरफ हल्का सा आपको चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जैसे बताया इसके ऐप से आप जाकर और बहुत सारे जो वॉच फेसेस है उसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो काफी अच्छी खासी यहाँ पर आपको लाइब्रेरी देखने को मिलती है। लेकिन अपना कोई वॉच फेस लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो, यानी कि अपनी कोई फोटो लगानी है तो उस पर यहाँ पर आप टैप करके कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। उसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है, नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कोई टॉगल बटन है, तो सबसे पहले कनेक्शन स्टेटस, बैटरी स्टेटस, टाइम आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ आइकन है, तो सबसे पहले कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो आप इसको साइलेंट मोड पर रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो फाइंड माई फोन का ऑप्शन दिया है तो आपका फोन इधर उधर पड़ा है तो यहाँ पर रिंग करना शुरू हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस का लेवल है, जैसे बताया आपको 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस है और जो ब्राइटनेस का लेवल है ना मैं बोलूँगा कि काफी बढ़िया है, तो इसको सेकंड नंबर पे रख देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर DND मोड का ऑप्शन है, साथ में यहाँ पर बैटरी सेविंग मोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसको इनेबल करते हो तो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है कम हो जाती है, वाइब्रेशन वगैरह वो डिसेबल कर देगा और नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगी। उसके अलावा लास्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है सेटिंग का, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा होम स्क्रीन पर अगर आप राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो शॉर्टकट कार्ड्स है, तो सबसे पहले यहाँ पर हार्ट रेट का ऑप्शन है तो इसको चेक करूंगा जब मैं इसको पहनूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का ऑप्शन है और उसके बाद यहाँ पर स्लीप मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन आपको दिया है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा फंक्शन बटन अगर आप प्रेस करोगे तो इस वॉच के सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर आइकन स्टाइल में। तो सबसे पहले नॉइस हेल्थ का फीचर है जिसमें आपको यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन दिया है और यहाँ पर आपने जो कितनी कैलरी आपने बर्न करी, कितने स्टेप्स काउंट किए और कितनी देर तक आपने यहाँ पर वर्कआउट वगैरह किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी और हिस्ट्री वगैरह भी आप देख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हार्ट रेट का है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ का ऑप्शन आपको दिया है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग आपको दिया है और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर नॉइस बस का, तो ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग के फीचर है, तो कॉन्टैक्ट्स है और कॉन्टैक्ट आप इसकी ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो और यहाँ पर कॉल हिस्ट्री वगैरह है। उसके अलावा यहाँ पर डायल पैड का ऑप्शन दिया है तो यहाँ से आप नंबर वगैरह जल्दी से डायल कर सकते हो, तो यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ और कॉल मिलाने के बाद भी आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं, कॉल म्यूट कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और कॉल काट सकते हो और कॉलिंग का फीचर है या फिर स्पीकर का वॉल्यूम है उसको आगे चेक करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्लॉक का, तो यहाँ से आप अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच और वर्ल्ड क्लॉक सेट कर सकते हो। उसके बाद वर्कआउट का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग कुछ कैटेगरीज हैं और किसी भी कैटेगरी पर टैप करोगे तो अंदर उसके जो स्पोर्ट्स मोड आप यहाँ पर देख पाओगे और किसी भी वर्कआउट को चालू करना है तो उस पर टैप कर दो और ऑब्वियसली इसके लिए मुझे इसको पहनना होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन है तो अपना गोल सेट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो और इस वॉच में आपको इनबिल्ट जीपीएस नहीं मिलता है, ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट में एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी जीपीएस की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपके फोन से एक्सेस करेगा और वर्कआउट चालू होने के बाद आप जो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, तो यहाँ पर कितनी कैलरी बर्न करी, डिस्टेंस कवर किया, पेस, स्टेप वगैरह, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे डिटेल में और यहाँ पर अपना म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी आप यहाँ पर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में देख सकते हो और उसके अलावा यहाँ पर रिमाइंडर है, म्यूजिक कंट्रोल के आपको ऑप्शन दिया है तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्ले के मोड पे टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर म्यूजिक का बजना शुरू हो गया, वापस से मैं पॉज कर देता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकता हूँ या फिर प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकता हूँ और वॉल्यूम है उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये जो फीचर है ये भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, तो करंट एरिया का वेदर है और नेक्स्ट फ्यू डेज का जो फोकास्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ से भी आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो और स्टॉक का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं उसे ऐड किया है, तो अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ से आप ट्रैक कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है और कैलकुलेटर का ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सही है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है सेटिंग का, और सेटिंग में सबसे पहले ब्राइटनेस का ऑप्शन है, रिंग टोन, वाइब्रेशन वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर रिस्ट अवेक का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो रिस्ट अवेक वाला फीचर है उसको एक्टिवेट कर सकते हो या फिर अपनी जो टाइमिंग के हिसाब से उसे सेट कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर स्क्रीन है इसको ऊपर की तरफ करूंगा तो यहाँ पर स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है, दोबारा से चेक कर लेते हैं और देख सकते हो यहाँ पर ये काफी अच्छे से काम कर रहा है, काफी क्विक भी है। उसके अलावा स्क्रीन टाइम का ऑप्शन है, DND का ऑप्शन है, मेन्यू व्यू यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन का भी ऑप्शन दिया, तो अगर वर्कआउट के टाइम पे स्पोर्ट्स मोड इनेबल करना भूल गए हो तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सेव कर लेगा। उसके बाद अबाउट कॉल, डिवाइस इन्फो, QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो बात हुई नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स के फीचर्स के बारे में और फीचर्स वाइज डेफिनेटली भाई आपको काफी अच्छे खासे फीचर मिल रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे ये वॉच आ रही है। और उसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है ना भाई 1.85 इंच की काफी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो कि जैसे बोला भाई इस प्राइस पॉइंट में आपको किसी दूसरी वॉच में देखने को नहीं मिलेगी। तो अब जल्दी से इस वॉच को मैं पहन लेता हूं, इसके जो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर और ऑब्वियसली इसमें कॉलिंग का जो फीचर दिया उसको चेकआउट कर लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। और वॉच पहनने के बाद इस वॉच की जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है और डेफिनेटली भाई काफी लाइट वेट वॉच है और डिस्प्ले जैसा आप देखते हो भाई काफी बड़ा डिस्प्ले है तो काफी सही लग रहा है। उसके अलावा जो कंफर्ट लेवल है इस वॉच का वो भी काफी बढ़िया है, स्ट्रैप्स काफी सॉफ्ट है, तो यहाँ पर अगर आप इसको रात को पहन कर सोते हो तो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा इस वॉच का जो हार्ट रेट और SpO2 सेंसर है उसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले हार्ट रेट है उसे यहाँ पर मेजर करेंगे और ये जो वॉच है ना कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सपोर्ट करता है, तो अभी यहाँ पर इसे मेरा जो हार्ट रेट बताया वो बताया है 86 बीट्स पर मिनट और मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीमीटर लगाया और देख सकते हो यहाँ पर भी दिखा रहा है 87 बीट्स पर मिनट, यहाँ पर 89 बीट्स पर मिनट, तो काफी हद तक काफी क्लोज आपको रीडिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा इसका जो SpO2 मॉनिटर है उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं और ये मेरे
ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है उसे मेजर करेगा। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेस हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इनको आइडिया लेने के लिए यूज करो। और यहाँ पर इसे मैंने जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बताया वो बताया 97%, और जैसे बताया था मैंने यहाँ पर ऑक्सीमीटर लगाया और यहाँ पर भी दिखा रहा है 97%। उसके अलावा स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। और बेसिकली ये आपकी हार्ट रेट को जज करके यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस का लेवल बताता है कितना हाई है कितना लो है। और यहाँ पर इसे मेरा जो स्ट्रेस का लेवल बताया वो बताया 37 जो कि नॉर्मल है। उसके बाद इस वॉच को एक बार टेबल पर रख के भी चेक कर लेते हैं कि फ्लैट सर्फेस पर यहाँ पर जो SpO2 या फिर हार्ट रेट है उसे यहाँ पर मेजर कर पाता है या फिर नहीं। सबसे पहले हार्ट रेट है उसी को हम मेजर करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो एक एरर भी आ गया है। तो यहाँ पर जो हार्ट रेट के लिए आपको इसको पहनना होगा। उसके अलावा इसका जो SpO2 मॉनिटर है उसको भी चेक कर लेते हैं कि टेबल पर रख के यहाँ पर SpO2 की रीडिंग देता है या फिर नहीं, और यहाँ पर भी एक एरर आ गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके जो सेंसर्स हैं वो काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद कॉल नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो कॉल आने पर आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आती है। तो कॉलर का नाम आ रहा है, आप यहाँ पर ये कॉल जो है साइलेंट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर रिंग भी हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो जो कि काफी सही है इस प्राइस पॉइंट में। उसके बाद कॉल काट सकते हो या फिर उठा सकते हो, तो मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। और हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि यहाँ पर जो कॉलिंग के टाइम पर कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, तो मैं इसको काट देता हूँ। और SMS नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको इमोजी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन दिया है और ये जो रिप्लाईज है ना आप इसके ऐप के थ्रू सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक रिप्लाई कर देता हूँ और देख सकते हो यहाँ पर रिप्लाई चला गया। उसके अलावा ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो वो फीचर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नंबर उसे डायल कर देता हूँ और सबसे पहले इसका स्पीकर का वॉल्यूम उसे चेक करते हैं कि कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है, प्रीपेड सेवाओं के लिए। और यहाँ पर वॉल्यूम है वो एकदम फुल है और यहाँ पर स्पीकर का वॉल्यूम डेफिनेटली काफी डिसेंट है। इंडोर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आउटडोर में अगर आप बहुत ज्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट में हो तो शायद थोड़ा सा कम लगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप कॉलिंग ले सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी बोलूँगी भाई काफी डिसेंट है। मैंने भी कुछ कॉल्स वगैरह लिए हैं इस पर और सामने वाले को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब ऐसा लगा भी नहीं कि मैं वॉच पे बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस वॉच पर आप इस तरह से हाथ रखकर बात करते हो तो यहाँ पर आप आराम से कॉलिंग ले सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये है नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स और ऑब्वियसली जैसा इसका नाम है ना भाई मैक्स, तो काफी बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। और इस प्राइस पॉइंट में 2000 रुपए के प्राइस पॉइंट में आपको किसी दूसरी वॉच में इतना बड़ा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा ये जो वॉच है ना काफी फीचर है स्मार्ट वॉच है, तो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं जो आपको दूसरी वॉचेस में देखने को नहीं मिलते, जैसे स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो कि इस प्राइस में या फिर इससे ऊपर वाली जो वॉचेस में भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक काफी बड़े डिस्प्ले वाली कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप ये जो नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स है इसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने इस वॉच को खरीदना होगा तो जैसे बताया इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है 1999 रुपए और उसके बाद इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। तो अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये नॉइस कलरफिट पल्स 2 मैक्स या मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, 5000 लाइक का हमारा टारगेट है तो जल्दी से कंप्लीट करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।